नमः शिवाय। वार्षिक राशिफल के क्रम में आइए आज चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आजीविका, नौकरी में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कितने सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा होगा, कब सफलता मिल सकती है, घर बार इत्यादि और समाज के दायरे को लेते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहले मोटे तौर पर वर्ष पर्यंत कन्या राशि का राशिफल सारांश रूप में बताएंगे, फिर उसे विस्तार पूर्वक प्रत्येक विषय को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही उसमें वह समय जो आपके लिए विशेष उपलब्धियों वाला होगा, साथ में उपाय और क्या सावधानियां रखनी चाहिए वह भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया पहले से ही चल रही है। शनि आपके चतुर्थ भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। सुख शांति और संतोष में थोड़ी कमी महसूस होगी। हर कार्य करने में बाधा और मानसिक दबाव हो सकता है। भौतिक सुख संसाधनों पर खर्च और घरेलू समस्याएं बढ़ सकती हैं। भूमि मकान के कार्यों में रुकावट का अंदेशा बनता है। व्यापारी वर्ग को मेहनत के अनुसार लाभ की प्राप्ति होगी। इस वर्ष शेयर, लॉटरी इत्यादि से दूर रहना चाहिए। घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मध्यम होगा व मेहनत अधिक करने पर सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं। विवाहित जीवन में पति पत्नी अपने दायित्वों के प्रति संजीदा रहें। नौकरी करने वाले जातकों की समस्याएं बढ़ती नजर आएंगी। अधिक मेहनत से थोड़े लाभ का संकेत मिलता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कन्या राशि के राजस्वामी बुध जो कि वर्ष की शुरुआत में केंद्र में बैठे हैं सूर्य और शनि के साथ चतुर्थ भाव में, सूर्य और बुध की स्थिति शनि के साथ मजबूती लिए बन रही है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष मजबूत और अस्थायी प्लेटफार्म वाला होगा। अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग पूर्ण रूप से जारी रहेगा और आपके मेहनत करने की प्रवृत्ति और बढ़ती जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज रहेंगे। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वर्ष का प्रारंभ आपके लिए नए अवसर भी लाया है। आपकी सफलता आपके प्रयासों के ऊपर निर्भर करेगी, जिसमें अधिकारियों का और विभागीय कर्मचारियों का सहयोग शामिल होगा। आपकी सफलता में मेहनत और प्रयास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो कि सूर्य, बुध और शनि की युति से परिलक्षित होता है। साथ ही भाग्य भाव पर शुक्र की दृष्टि आपके कई अवसर का संकेत देती है। यहाँ शुक्र आपके लिए अत्यधिक योग कारक है जिनसे धन और भाग्य का भाव नियंत्रित होता है। प्रोन्नति के अवसर पुनः आपको 16 अप्रैल से मिलेंगे, जिसमें पद प्रतिष्ठा का लाभ और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या मनोवांछित जगह पर स्थानांतरण के लिए मौके मिलेंगे, जिसकी आपको बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। यदि आप व्यापार में हैं तो व्यापार के प्रसार या विकास की रूपरेखा साकार हो सकती है। लाभकारी साझेदारी के प्रस्तावों का आना या साथ में कोई नई कार्य योजनाओं की शुरुआत भी हो सकती है जो कि लाभदायक रहेगी। यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ आपको मिलता जाएगा, मगर आपको सूझबूझ, धैर्य और संयम का भी साथ रखना है। 7 मई से आने वाला समय विदेश जाने वाले जातकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो भी काम और जिम्मेदारी को लेकर वाद विवाद, दोषारोपण और अदालती कार्यवाहियों की संभावना बनी रहेगी। यह समय राहु और मंगल की युति का रहेगा। यह स्थिति आपके आजीविका भाव में बन रही है। कोई पेपर साइन करना है तो या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई अथॉरिटी लेटर आपको मिली है उसका भी इस्तेमाल सावधानी से करें, और यदि आप व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिससे आपका कारोबार प्रभावित हो सकता है। वाद विवाद की संभावनाएं और लीगल कार्यवाही से नकारा नहीं जा सकता है, अतः धैर्य और संयम बनाकर पारदर्शिता के साथ काम करते रहें। अगले अच्छे समय की शुरुआत पुनः 2 जून से होगी, जिसमें आप एक नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे, मगर धैर्य और संयम अत्यधिक आवश्यक होगा। आपको वाद विवाद के प्रति उकसाने और भड़काने का पूरा प्रयास किया जा सकता है, मगर आप बिल्कुल शांत होकर माहौल को नज़रअंदाज करते रहें तो सफल रहेंगे। धैर्य और संयम की यह अंतिम परीक्षा आपके लिए होगी।
कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। वर्ष के प्रारंभ से और पूरे वर्ष शनि की स्थिति चतुर्थ भाव में बनी रहेगी और शनि की तीसरी दृष्टि शत्रु और रोग भाव पर और दसवीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ती रहेगी। केतु मार्च तक पंचम भाव में तत्पश्चात चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे पेट संबंधी दिक्कतों के साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें फेफड़ा और श्वसन प्रणाली आती है, हृदय संबंधी जटिलताएं और जोड़ों से संबंधित समस्याओं का अंदेशा भी बनता है। इसलिए आपको खान पान में बाहरी तत्व जैसे फास्ट फूड, ज़्यादा तेल मसाला इत्यादि नहीं लेनी चाहिए। नियमित जीवन शैली और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना आवश्यक होगा। साथ ही त्वचा संबंधी संक्रमण इत्यादि का अंदेशा भी बनता है। विशेष सावधानी वाला समय जून का महीना होगा, जिसमें बुध की स्थिति दशम भाव में मंगल और राहु के साथ बनी रहेगी, जिससे शारीरिक और मानसिक स्तर संवेदनशील रहेगा। हालांकि 4 नवंबर से कुछ राहत मिल सकती है, मगर पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर नियमित नज़र रखने की ज़रूरत है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के कारण स्थिति सुखद बनी रहेगी। मित्रों के साथ समय बिताने के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही पूरे वर्ष आप घर परिवार और उनसे संबंधित दायित्व अच्छे से निभाते रहेंगे और सदस्यों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। पारिवारिक संतुष्टि और सामाजिक रूप से सफल महसूस करेंगे। समय समय पर पार्टनर से सकारात्मक प्रेरणा और उचित सलाह मिलता रहेगा। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं और धर्म भाव पर उनकी सप्तम दृष्टि कायम है। वर्ष के उत्तरार्ध में आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी। मित्रों और सहकर्मियों से भी अच्छे संबंध बरकरार रहेंगे। विवाह योग्य जातकों के लिए अप्रैल और मई का महीना बहुत अच्छा होगा, मगर संतान की कामना करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष थोड़ा इंतजार कराने वाला होगा। वर्ष के मध्य में माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। किसी पारिवारिक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद पैदा हो सकता है, मगर वर्ष के अंत में सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और सामाजिक रूप से सफल महसूस करेंगे। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह वर्ष। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष थोड़ा मेहनत और धैर्य से परिश्रम कराने वाला होगा। मार्च तक बार बार पढ़ाई के प्रति थोड़ी व्यग्रता, अनावश्यक मानसिक दबाव और असंतुष्टि बनी रहेगी, मगर 30 जनवरी से पंचमेश और भाग्येश शुक्र और शनि की युति शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सफलता की पूरी उम्मीद बनती है, बस पढ़ाई की निरंतरता पूरे मनोयोग से बनाए रखें। हालांकि दिमाग को विचलित करने वाले तत्वों से ध्यान भंग की संभावना भी बनती है, मगर मेहनत ही रंग लाएगी, जिसमें शनि का सकारात्मक योगदान बना रहेगा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। दूसरा अवसर 16 अप्रैल से मिलेगा, जिसमें बुध शुक्र की युति मीन राशि में होगी और बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी कायम रहेगी। यह अवसर विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का सूचक होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, या यदि आप नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो यह आपके लिए गोल्डन चांस होगा। बैंकिंग और शिक्षा जगत के अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष उपलब्धि वाला समय रहेगा। नौकरी की अभिलाषा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 4 जून से प्रारंभ होने वाला समय भी महत्वपूर्ण होगा। आपके कैरियर के निर्धारण के लिए, जिसमें भाग्येश और दशमेश स्वराशिष्ठ होकर आपको पूर्ण सफल करेंगे। ऐसे ही सफलता पुनः सितंबर से प्रारंभ होगी, जब लग्नेश और भाग्येश की युति आपकी राशि पर ही कायम रहेगी। यह स्थिति भी आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में सहयोग कर सकता है। वर्ष के अंत में जब बृहस्पति की युति शनि के साथ होगी, ऐसी अवस्था न्याय जगत जुडिशियरी के अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने का प्रतिशत सबसे ज़्यादा रहेगा। बस आपको अधिक धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए मेहनत करनी चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए जिससे स्वास्थ्य संबंधी, रोजगार संबंधी उतार चढ़ाव या हर प्रकार की परेशानियों में कमी आवे, हर क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता मिलती रहेगी। माँ दुर्गा और भगवान शंकर की आराधना रोज करें। केले के पौधे में रोज जल डालें। सूक्ष्म जीवों के लिए आटे में चीनी मिलाकर दीवार के किनारे या पेड़ के नीचे रोज छिड़क दें।
और अपनी थाली में से आधी रोटी गाय के लिए और आधी रोटी कुत्ते को खिलाएं। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, भाग्य साथ देगा और हर क्षेत्र से मन मुताबिक सफलता प्राप्त होगी।